बेंगलुरु में हजारों की संख्या में पूर्व सैनिकों को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये प्रदर्शन कर्नाटक की सरकार के खिलाफ था। प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं कि 1969 लैंड एक्ट के तहत इनको जमीन दी जाए और सरकारी नौकरी में इनके लिए आरक्षणों में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही वो कई और भी मांग कर रहे हैं। अपनी तमाम मांगों को मनवाने के लिए हजारों की संख्या में ये पूर्व सैनिक बेंगलुरु की फ्रीडम पार्क में धरने पर बैठे। इनकी कुल 15 मांगे हैं। क्या कुछ कहा है इन्होंने, ये सुन लीजिए। आज 5000 एबव एक्सर्शन फैमिली आज इधर इस फ्रीडम पार्क में आया हुआ है। बिकॉज इसलिए है कि अपना जो एक्सर्शन का जो लीगल में होता है, जो हम लोग का फैसिलिटीज वो नहीं मिल रहा है। लीगल फैसिलिटीज आज जो कानून में लिखा हुआ है वो हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए आज 5000 से ज्यादा लोग फैमिलीज आज इंडियन हिस्ट्री में पहली बार इधर बेंगलोर में फ्रीडम पार्क में आज खड़ा हुआ है। क्योंकि 75 ईयर से आज तक जो है हमको हक वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज के दिन में दो दिन इज्जत मिलता है, एक तो अगस्त 15, एक जनवरी 26, ये दो दिन। नहीं तो 20 आदमी जो बॉर्डर में ब्लास्ट हुआ तो उसी टाइम में याद करता है। ये समाज भी ऐसा है और जो पॉलिटिकल भी ऐसा है और ऑफिसर्स भी ऐसे है ना। आज तक 75 ईयर तक जो अपना एक्सर्शन रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन किसी को नहीं मिल रहा है। सब जगह में मिलता है, हमको नहीं मिलता है। क्यों? हम लोग क्या किया? देश के लिए इस्लाम ने सेवा किया, देश के लिए त्याग बलिदान किया। क्योंकि हम लोग को कोई इज्जत और गौरव नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम कम से कम 4000 से ज्यादा माजी सैनिक यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि हमारा जो जमीन का मांग है, निवेशन का मांग है और निगम मंडली का मांग है और जो वेतन परिष्करण है उसका मांग है। और यहाँ पे जितना भी माजी सैनिक है उनको रेस्पेक्ट कम हो गया है था। यहाँ पे क्या है, सरकारी नौकरी उसमें भी हमारा 10% का जो नौकरी मिलने वाला था उसमें भी बैकलॉग का प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमारा 30 मांगे हैं वो सरकार के लिए, कर्नाटक सरकार के लिए हम यहाँ पे हमारा राज्याध्यक्ष श्री डॉक्टर शिवण्णा एनके उनके नेतृत्व में अखिल कर्नाटक माजी सैनिकर संघ और कर्नाटक के अन्य जिला संगठन और वीरनारी घटक उनका सबके सम्मेलन से यहाँ पे हम कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री को हमारा एसोसिएशन की तरफ से और जिला माजी सैनिक संगठन की तरफ से हमारे 30 मांगे हैं वो पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पे 3000 से ज्यादा माजी सैनिक और वीरनारी उपस्थित है। इन पूर्व सैनिकों के धरने पर बैठने के बाद कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक का बयान आया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और पूर्व सैनिकों की सभी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सवाल है कि देश सेवा में जुटे सैनिकों के साथ अगर सरकार का ऐसा रवैया है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कर्नाटक में बताया जाता है कि करीब 1,20,000 पूर्व सैनिक हैं और इनके परिवारों को अगर मिला दें तो यह आंकड़ा 3 लाख के पार हो जाता है।